नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रेडनी प्लेटफॉर्म में। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीएचयू की ओर से। यूजी एडमिशन के लिए जिन्होंने भी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉपअप राउंड का पहला राउंड भी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे क्योंकि कल अचानक रात में उन लोग का जो एडमिशन है अपने आप से लिख रहा था विड्रॉ, तो आप लोग परेशान थे। अब क्या हुआ है कि उस समस्या का समाधान भी हो गया है। फिर भी अगर आपके साथ ये समस्या है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। दूसरा जो बड़ी अपडेट है क्या है कि बीएचयू ने अपना मॉपअप राउंड के लिए यूजी एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, पेमेंट लिंक जारी कर दिया। आप लोग परेशान हो कि सर पेमेंट लिंक नहीं दिख रहा है। मैं लाइव वीडियो में आके भी बता दिया था कि कैसे कैसे आपको जाना है पेमेंट लिंक पे, जहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन उसके पहले सीयूटी से संबंधित बीएचयू डीयू जेएनयू इत्यादि यूनिवर्सिटी से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की बड़ी अपडेट क्या है जो बीएचयू की ओर से निकल के आ रही है यूजी के लिए। पीजी का अभी मॉपअप राउंड का रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही आएगा अपडेट कर दूंगा। यूजी मॉपअप राउंड सेकेंड पब्लिश, जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो गया है। और सबसे खास बात कि टाइम करने का जो टाइम है, पेमेंट करने का जो लास्ट टाइम है, वो आज रात यानी 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, रात नहीं शाम, आज शाम 6 बजे तक, यानी शाम 6 बजे से पहले आप पेमेंट कर दीजिए। जिनको भी पेमेंट लिंक गया है, कहाँ पे आप जाके चेक करोगे वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग जाइए विजिट कीजिए। जैसे कि जिनको पहला राउंड में अलॉटमेंट हुआ था, कई लोग बता रहे थे सर मेरा विड्रॉ लिख रहा है, वो चीज़ें सही हो गया। मैंने कहा था टेक्निकल इशू है बीएचयू की ओर से। लगातार आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे रात में बहुत लोगों का कॉल आया था, सब रो रहे थे, डर रहे थे बहुत लोग। मैंने कहा कि बीएचयू की ओर से अक्सर ये हो रहा है टेक्निकल इशू, तो यही हुआ होगा, क्योंकि वही हुआ है। लेकिन एक और स्थिति है कि आपको पेमेंट लिंक गया और आपने पेमेंट नहीं किया, तो इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पेमेंट लिंक गया और आप पेमेंट नहीं कर पाए हो तो आपको अब बीएचयू के सेंटर ऑफिस आना पड़ेगा, वहां आके बात करना पड़ेगा। पेमेंट लिंक कहां पे मिलेगा, इसमें बहुत सारे रीज़न क्या क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। इसमें बहुत कंडीशन है। पहला है कि एक स्टूडेंट पहले उनको मिला था अलॉटमेंट और इन्होंने कमिटमेंट फीस पेमेंट कर दिया था, मॉपअप राउंड ने पहले ही कमिटमेंट फीस कर दिया था, तो उसको अब कमिटमेंट फीस नहीं करना है। जो पहले कमिटमेंट फीस नहीं किया था उसको अब करना पड़ेगा, कितना 1500, क्योंकि 1000 मॉपअप राउंड का चार्ज है, ठीक है, वो करना पड़ेगा। जैसे इन स्टूडेंट का अलॉटमेंट हुआ, देखिए अलॉटमेंट हुआ, आप जाके देखोगे यहाँ पर लिख दिया है, इसी प्रकार लिख रहा था। इनका तो 2 सीट में अलॉटमेंट हुआ तो कोई बात नहीं, इन्होंने 1 सीट को लॉक कर दिया है। इनका करेंट सीट जो है ये MMB वाला जो है ये लॉक है। यहाँ देखो लिख रहा है पेड वेरीफाई एंड फाउंड एलिजिबल ऑल इज ओके, रिमार्क में देखो क्या है ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है। तो आप, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रात में अचानक ये लिख रहा था, ये जिसको लेके परेशान था, तो इनका तो 2 सीट है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका कोई इशू नहीं क्योंकि इनका ये करेंट सीट ये है, तो यहाँ इशू है। अब देखो पेमेंट कहाँ पे करोगे, यहाँ पे जाओगे आप व्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लिंक के लिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे जाना है, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ अंधेरे में चले जाइए, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, जो ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे यहाँ पे व्यू पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैं कुछ चीज़ आपको समझा रहा हूँ जो कि आप समझिएगा बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। थोड़ा सा आप लोग रहिए अंधेरे में, फिर मैं आपको अब दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ऐसा ओपन होगा आपके पास भी, इस प्रकार ओपन होगा। इनको करेंट देखिए 10 नंबर प्रीफ्रेंस मिला है, MMB में मिला है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे IC ओनर्स इन्होंने लॉक कर दी है। आप लोग भी लॉक करवा सकते हो अगर मन पसंद मिल गया तो, ठीक है। पहले इनको मिला था जो कि अपना विड्रॉ करवा लिए एडमिशन, क्योंकि इनको मॉपअप राउंड में जाना था मेन कैंपस के लिए, गई मिल गया ओके। अब पेमेंट लिंक,
इनका इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इन्होंने पहले पेमेंट किया हुआ था। जो लोग नए हैं उनका कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा बहुत सारे चीज़, ठीक है, लिखा रहेगा रेड रंग से, ठीक है, लिखा रहेगा उस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिसे आगे बढ़ेंगे यहाँ आ जाएगा एडमिशन पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद पेमेंट का लिंक आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। क्या प्रोसेस बताएं, आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो में। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आपको बने रहना है, परेशान नहीं होना है, बताओ कमेंट बॉक्स में। जिसका भी एडमिशन हो रहा है इस नंबर पे आप मैसेज करके बता दो कि मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट का जब मीटअप होगा तो आप लोग को सम्मानित किया जाएगा। तो अपना नाम, अपना कोर्स का नाम लिख के भेज दो, और कभी भी परेशान नहीं होना, हम लोग है ना जी, परेशान क्यों होते हो आप लोग। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। इसमें जो बड़ी अपडेट है सेकेंड राउंड मोपअप राउंड का रिजल्ट आ गया है, जाके चेक करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।